तो कैसे हैं आप लोग? मेरे लगभग 3 वीडियोस बन चुके हैं, जिसमें से आपको पहले वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, तो दूसरे वीडियोस में बताया कि आप लाइब्रेरी में बुक कैसे फाइंड करें, और तीसरे वीडियो में बताया कि आप अपना प्रोजेक्ट A4 साइज पेपर के थ्रू कैसे बनाएंगे। और गाइज, अब मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहती हूँ, थोड़ा कंटेंट देना चाहती हूँ। बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे गाइज कि उन्हें कोई कह रहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी पे कंटेंट चाहिए। ठीक है गाइज, वन बाय वन मैं सभी चीजों पे वीडियोस लाऊंगी। मैंने सोचा कि आप लोग को अगर सोशियोलॉजी पे अगर प्रोजेक्ट मिला है तो क्यों ना उसे समझा दिया जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट सिर्फ छाप देना इज नॉट अ गुड थिंग। आप उसको थोड़ा समझ के लिखोगे तो फिर वो आपको फ्यूचर टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। समझ भी लोगे इधर, फिर आप प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, और फिर तब लिखोगे एकदम याद हो जाएगा आपका, एक तरह से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा गाइज। तो इसलिए मैंने सोचा इसको पढ़ा दूं, फिर इसके बाद इसमें सोशियोलॉजी मैं बताऊंगी आपको, सोशियोलॉजी होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका सोशियोलॉजी का इमर्जेंस, सोशियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट्स फैक्टर, वो क्या फैक्टर है, वो क्या कारक है जिसके वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज की हमारी सोसाइटी में, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स जैसे मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, दुर्किन और वेबर, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन थिंकर्स का सोशियोलॉजी का इमर्ज होने में, इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये मैं आपको बताऊंगी आज। और जो भी आपने कमेंट किया था और चीजों के लिए, मैं उसको बाद में आपको वीडियो बना के दे दूंगी। ठीक है गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं ये सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर। तो सोशियोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी होता क्या एक्चुअली। तो सोशियोलॉजी को हम ऐसे नॉर्मली अगर देखें तो दो पार्ट्स में बांटते हैं, सोशियो और लॉजी। सोशियो का मतलब हो जाता है सोसाइटी गाइस, सोशियो का मतलब हो जाता है सोसाइटी, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। क्या होता है लॉजी का मतलब दोस्तों? साइंस होता है। तो ये दोनों सोशियो प्लस लॉजी मिलकर क्या बनाता है? सोसाइटी और साइंस ऑफ सोसाइटी या सोसाइटी का साइंस। इसको तो इसको कैसे, अगर सोशियोलॉजी का आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि साइंस ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। और ऐसे देखा जाए तो सोशियोलॉजी को दो वर्ड में बांटा गया, सोशियस और लॉगस। सोशियस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड लॉगस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, बट नेचुरली हम इस तरीके से इसको इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं समझने के लिए। और गाइज, जो मैं बाईलिंगुअल पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी, हिंदी इंग्लिश बोल, ताकि जो दोनों बच्चे हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से आए होंगे, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से आए होंगे, तो अगर आप किसी एक को भी लगे कि मैं ज्यादा सिर्फ हिंदी बोल रही हूँ या सिर्फ इंग्लिश बोल रही हूँ, कुछ ऐसा है जो छूट रहा है मुझसे, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करके आपको वीडियो दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो आपने सोशियोलॉजी, तो एक वर्ड का भी मीनिंग समझे आप कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक, इसके फादर कौन थे? फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे। कौन थे? अगस्त कॉम्टे। और क्योंकि अगस्त कॉम्टे थे एक सोशियोलॉजिकल थिंकर थे ये गाइस। जैसे इसकी डिफिनेशन है इसमें, इट इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी दैट फोकस ऑन ह्यूमन बींग एंड देयर सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विथ ईच अदर। देखिए सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक, साइंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं, हमारी सोसाइटी में एक्चुअली है क्या, चीजें क्या एग्जिस्ट करते हैं। आप सोचेंगे ऐसा किस सोसाइटी में है कि हम उसको पढ़ें? आपको मैं ये चीज बताऊंगी फैक्टर्स वाले पोर्शन में कि ऐसा क्या है, क्या रीजन थे, क्या वजह थे जिसकी वजह से हम सोशियोलॉजी पढ़े। लेकिन अभी आप सिर्फ सोशियोलॉजी जानेंगे कि एक्चुअली सोशियोलॉजी है क्या। तो सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी है, एक ब्रीफ स्टडी या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कह सकते हैं उसको, एक छोटे में हम उसकी स्टडी कहते हैं। तो वो क्या होती है? सिस्टमैटिक, सिस्टम से पहले छोटे से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 बड़े की तरफ जाते हैं, और साइंटिफिक भी है। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि जो हम सोसाइटी में, जैसे हम मैरिज, ठीक, एक टॉपिक लेते हैं मैरिज, जैसे हमारी सोसाइटी का एक टॉपिक है मैरिज, विवाह। तो मैरिज की जब हम स्टडी करते हैं तो हम ऐसा तो नहीं कि बस उसके बारे में देखा समझा और उसके बारे में उसकी थ्योरी लिख दी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि हम साइंस में
चीजों पे रिसर्च करते हैं, उसको एक बार दो बार तीन बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एट लास्ट जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको थ्योरी के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक बार किया होगा उन्होंने, दो बार किया होगा, तीन बार किया होगा, चार, और हजारों बार करने के बाद जब उन्हें हर बार एक ही रिजल्ट मिलता है तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है, वो एक साइंस का किया हुआ कोटेशन बन जाता है कि जो पानी है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसी तरीके से हम मैरिज के जो रूल्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर के जो मैरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं गाइस उसके ऊपर भी हजार बार टेस्ट किए गए होंगे। अच्छा, इस सोसाइटी में ऐसे लोग हैं तो इस तरह की मैरिज है, तो इस तरह की मैरिज का क्या डीमेरिट है और क्या मैरिट है, उसको हजार बार चेक किया गया, हर एक अलग अलग पर्सन पे चेक किया गया। और आप कहेंगे कि साइंस तो एक साइंस के लिए एक लेबोरेटरी होती है, वहां टेस्ट करते हैं हम, तो सोशियोलॉजी के लिए कहाँ लेबोरेटरी होती है, उसके तो कोई लेबोरेटरी नहीं होती है, साइंस कैसे हो गाइस? ये साइंस इसलिए ना कि जो पूरी आपकी सोसाइटी है, पूरा वर्ल्ड है ना, सोशियोलॉजी के लिए यही पूरा लेबोरेटरी है, पूरा वर्ल्ड ही उसकी लेबोरेटरी है और एक एक पर्सन उसके लिए रिसर्च का एक फैक्टर बनता है जिसके ऊपर वो रिसर्च किया जाता है। तो सोशियोलॉजी के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस लेबोरेटरी की होने की जरूरत नहीं है, ये पूरी सोसाइटी है, पूरा वर्ल्ड उसका लेबोरेटरी है। और हम एक एक पर्सन पे अगर रिसर्च करें तो एक एक नई नई चीजें हमें सोसाइटी में मिलेगी। तो सोसाइटी क्या है, सॉरी सोशियोलॉजी क्या है, सिस्टमैटिक, सिस्टम में, सिस्टम से हम स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अगर हम सिस्टम में स्टडी नहीं करेंगे तो बहुत ही मिक्स मैच हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इसीलिए सिस्टम से स्टडी करते हैं। और सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है, साइंटिफिक है, जैसे बताया आपको, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके उसको रिसर्च करके तो फाइनल एक जो फाइनल रिजल्ट आता है उस पर थ्योरी क्रिएट की जाती है, उसको सोशियोलॉजी में लिखा जाता है। फिर इट इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी दैट फोकस ऑन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग कहां फोकस करता है, ह्यूमन बींग, सबसे बड़ा मुद्दा यही है गाइस सोशियोलॉजी का। अगर ह्यूमन बींग ही नहीं होती तो सोसाइटी ही नहीं क्रिएट होती, और सोसाइटी ही नहीं क्रिएट होती तो फिर हम आज सोशियोलॉजी पढ़ते ही नहीं, सारा लोचा यही है। क्योंकि देखिए ह्यूमन बींग है ना बहुत ही डायनेमिक नेचर का पर्सन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं सोच सकते, क्योंकि एक बंदा मिलता है, फिर दो बंदा मिलता है, फिर एक फैमिली बनती है, फैमिली से कम्युनिटी, कम्युनिटी से सोसाइटी, ऐसे करते करते पूरा चेंज चलता है। तो पूरा ओवरऑल ये चेंज शुरू कहां से होता है, ये सोशियोलॉजी की स्टडी हम करेंगे तो उसमें पूरे हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, और सोसाइटी बनती कैसे है, एक एक सिंगल इंडिविजुअल से बनना शुरू होती है सोसाइटी, तब जाके बड़ा चेंज बनते बनते लास्ट में वो पूरे ढेर सारे लोग मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो वही एक एक पर्सन जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही पर्सन 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 मिलके ही तो एक सोसाइटी बनाते हैं, मतलब पर्सन 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 मतलब ढेर सारे पीपल मिलके ही तो सोसाइटी बनाते हैं। तो जब तक हम एक ह्यूमन बींग की स्टडी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तब तक हम कैसे समझेंगे कि पूरी सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है। तो इसीलिए दैट फोकस ऑन ह्यूमन बींग एंड देयर सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप, और वो एक दूसरे से उनका कैसा रिश्ता है, तभी तो हम फिर मैरिज, किंगशिप, कास्ट सिस्टम, ये सारी चीज समझेंगे कि उनका रिलेशन कैसा है औरों के साथ और उनका इंटरेक्शन कैसा है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो उनका इंटर रिलेशनशिप पढ़ना होगा हमको और उनका इंटरेक्शन पढ़ना होगा, समझे? इट इज, तो सोशियोलॉजी क्या है एक बार फिर से हम देखते हैं, इट इज अ, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी जिसके फादर है ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक। और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी दैट फोकस ऑन ह्यूमन बींग एंड देयर सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर। ओके गाइस, इतना हुआ, इसका इंट्रोडक्शन हुआ इतना, ठीक। अब इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया हमने, अब इमरजेंस पे चलते हैं गाइस। इमरजेंस, अब इमरजेंस, इमरजेंस मीन्स कैसे उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ, वो कैसे आया, इमर्ज हुआ, आया हमारी सोसाइटी में कैसे, सोशियोलॉजी कैसे आया, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में ये सोशियोलॉजी आई, और किसके थ्रू आई, कौन कौन थे ऐसे सोशल थिंकर जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में, तो कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, अगस्त कॉम्टे जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ही, और हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक। और अगस्त कॉम्टे की एक और बात है, इन्होंने ही टर्म सोशियोलॉजी, ये जो टर्म है सोशियोलॉजी,
इसको दिया था कि जो जिस जो वो सब्जेक्ट जिसमें हम सोसाइटी की स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे, सोशियोलॉजी. किसने दिया था? अगस्त कॉम्टे ने दिया था, जिसको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं. ठीक. अगर फिर आप सोचेंगे कि इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो सबसे पहले ये यूरोप में पनपा. कहां इसका उद्भव हुआ, उत्पन्न हुआ कहां पे? ये यूरोप में. अब देखिए यूरोप में आया. ठीक. हमने इसका डेफिनेशन देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा, सब कुछ जाना. इमर्जेंस हुआ, ऐसे से इमर्ज हुआ. इन्होंने ये सारे जो भी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे, इनकी मदद से, इनके एफर्ट से सोशियोलॉजी इमर्ज की यूरोप में. लेकिन क्यों यूरोप की, क्यों इमर्ज की, वो हम पहले पढ़ेंगे. कैरेक्टरिस्टिक इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये समझना पहले ज्यादा जरूरी है. इसके फैक्टर्स. तो गाइस, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, इमर्जेंस कवर कर लिया था, अब इमर्जेंस के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, अब हमें वो देखना है. तो इमर्जेंस हुआ 19th century में हुआ. बहुत सारे थिंकर्स ने हेल्प किया. अगस्त कॉम्टे, जो कि माय फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, मैक्स वेबर है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग, हर्बर्ट स्पेंसर है. तो ये सारी चीजें इमर्ज तो हुई बहुत लोगों के एफर्ट्स से, लेकिन उसके पीछे फैक्टर्स, इन्होंने एफर्ट क्यों डाले, उन जो सोशियोलॉजिकल थिंकर थे उन्होंने एफर्ट्स क्यों डाले, आखिर वजह क्या थी, वो फैक्टर्स क्या थे जिसके वजह से ये सोशियोलॉजी नाम की चीज हमारे अंदर, हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रही है. वो क्या चीजें थी, क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज हुई हमारी सोसाइटी, सोशियोलॉजी नाम की कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ने का जरूरत हुआ. तो तीन फैक्टर. पहला फैक्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो यूरोप में ओरिजिन हमारा सोशियोलॉजी का जो है वो इमर्जेंस यूरोप से ही हुआ है. तो यूरोप में क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए फ्रेंड्स, तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से बहुत सारी अच्छी चीजें आई. अच्छी चीजें आने का मतलब है कि एक्सपोर्ट, जब इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को हम छोड़ के जब इंडस्ट्रीज पे आने लगे, तो कॉमन सी बात है, जब हम एग्रीकल्चर को छोड़ देंगे, छोड़ना इन द सेंस कि हम शिफ्ट करने लगे थोड़ा थोड़ा, इंडस्ट्रीज की तरफ आने लगे थोड़ा थोड़ा. जहां पूरा पूरा एग्रीकल्चर करते थे, अब थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्रीज की तरफ भी आने लगे. तो उससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज हुई तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हुआ. क्योंकि जब इंडस्ट्रीज होंगी तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना होगा, एक सिटी से दूसरे सिटी मटेरियल जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा. दूसरा, कम्युनिकेशन. हमें एक दूसरा, जब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाना है, तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी. तो उसमें हमारा क्या, कम्युनिकेशन भी बेटर कर दिया. ट्रांसपोर्ट बेटर हुआ, कम्युनिकेशन बेटर हुआ. तीसरा, हम ग्लोबलाइज होने लगे, मतलब हम अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने लगे हम. तो ये तो बड़ी अच्छी चीजें हो रही थी, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आ रही है, कम्युनिकेशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है. आपने तो सारे अच्छे फेजेस देखे, लेकिन किसी भी चीज के ना सिर्फ अच्छे या सिर्फ बुरे फेजेस नहीं होते, इसका कुछ निगेटिव भी इम्पैक्ट था इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का. वो निगेटिव इम्पैक्ट क्या था फ्रेंड्स, आप उसे नोट कर लिया करें अगर आपको नोट करना हो तो, या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं फिर इसे इरेज करके फिर दूसरा पॉइंट आपको समझाऊंगी. तो ये तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट थे, जितने भी मैरिट्स थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वो ये थे. लेकिन हमें एक्चुअली में जो देखना है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जो चीजें हुई वो क्या थी. तो एक्चुअली में जो चीजें हुई वो ये थी, निगेटिव इम्पैक्ट जो क्रिएट की. तो निगेटिव इम्पैक्ट के नाम पर जो चीजें हुई, जो गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर, गल्फ कहें चाहे गैप कह भी सकते हैं. तो जो गैप थे वो सारी अच्छी चीज आपने देखी. अब भैया अच्छा चीज ही नहीं होता हर चीज का, बुरा भी होता है. तो बुरा भी आया, अब बुरा क्या है, जो गैप थे वो इंक्रीज हो गए. किसके किसके बीच, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का. सॉरी, दो तीन जीरो बन गए. ठीक.
तो गरीब और अमीर के बीच का जो गैप बना उसके बीच उसके बाद इतने कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, बहुत कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, मार हुआ, एक दूसरे से लड़ाइयाँ, झगड़ा, ये वो, लूट पाट सब शुरू हो गया। इतना ज्यादा वॉयलेंस क्रिएट हो गया, बहुत हाई लेवल का वॉयलेंस क्रिएट हुआ भाई साहब। तो अब जो ये वॉयलेंस क्रिएट हुआ, अब इसको कम कैसे किया जाए? तो इसका इन सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए थिंकर्स ने सोसाइटी की स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि जब तक हम सोसाइटी को समझेंगे नहीं, तब तक हम इन सोसाइटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों, कैसे? जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन है ये 2+2, अगर आप यही नहीं जानेंगे कि ये 2 है क्या, 1+1 मिलके ये 2 बना है, तो ये 2+2 जोड़ के आप 4 कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ 4 नहीं आएगा जब तक आप 2 को नहीं समझेंगे कि 1+1 2 है। उसी तरीके से थिंकर्स ने सोचा कि जब तक हम सोसाइटी को नहीं समझेंगे तो सोसाइटी की प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी शुरू हुई। और जब स्टडी ऑफ सोसाइटी शुरू हुई तो क्या आया हमारा, हमारे पास क्या रिजल्ट में आया, हमारा सोशियोलॉजी, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि बिना सोसाइटी की स्टडी किए हम कैसे सोसाइटी को बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। जब हमें सोसाइटी ही नहीं पता है, हम सोसाइटी को बदलेंगे क्या? चलो ये भी हो गया पहला रीजन, समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया कमेंट करो, मैं फिर से आपको ओके गाइस, तो आप क्या रुक जाओगे हमसे? आप कॉलेज में आए, ठीक, मैं भी आपसे सीनियर हूँ, मैं तुमसे सीनियर हूँ, चलो उठो यार कैंटीन में से, मैं खा ले, चलो उठो, तुम नहीं बैठोगे, मैं हर वक्त डोमिनेट किए जा रहा हूँ, हर जगह डोमिनेट करूँ, तुमसे सीनियर सीनियर हो, इसका मतलब क्या है? डोमिनेट करूँगा, यही सोचोगे? वही बात, आप फेडवल हो, आप सामंतवाद, इसका मतलब हमें डोमिनेट करोगे, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो वही कॉन्फ्लिक्ट, मार धाड़, खून खराबा, सब चीज़ें शुरू हुई। तो फिर से इस वजह से भी, फ्रेंच रिवोल्यूशन के भी वजह से, जब हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ इसकी वजह से भी फिर थिंकर सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जब तक हम स्टडी ऑफ सोसाइटी नहीं करेंगे, हम समझेंगे कैसे कि सोसाइटी होती क्या, जब समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने स्टडी की सोसाइटी की, और उस सोसाइटी की स्टडी करने के लिए क्या आया फिर हमारे पास निकल के? सोशियोलॉजी हमारा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर था जो हमें बताता है कि कैसे, क्यों और कैसे इमर्ज हुआ सोशियोलॉजी हमारे इस वर्ल्ड में, क्योंकि शुरू तो यूरोप में होता था, तो यूरोप में कैसे आया, ठीक। ये दूसरा फैक्टर था गाइस, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर देना,
आपको अच्छे से या और अच्छे से आपको और डिटेल्स के अंदर जानना है तो वो भी बताइएगा। वैसे तो सिलेबस में इतना ही है आपके, तो इतना मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब कवर कर दूंगी, तो इतना ही आपके सिलेबस में। ठीक, पहला दूसरा फैक्टर हो गया कवर हमारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रोल। अब दूसरा क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंस। ठीक, अब भाई ये नेचुरल साइंस क्या चीज़ है, ये अब कहाँ से टपक पड़ा, ये दोनों कम थल लिए आ गया। नहीं नहीं बहुत आसान है, आप समझ जाओगे बहुत ही आसान है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंस ये वो एरा है यूरोप का जिस टाइम रेनेसा हो रहा था वहाँ पे। आई थिंक आप हिस्ट्री में पढ़े होगे रेनेसा, यूरोपियन की जब हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो उसमें आप रेनेसा पढ़ोगे। रेनेसा हो रहा था, एनलाइटमेंट हो रहे थे, लोग जान रहे थे सच क्या है और मतलब जो अंधविश्वास होता उसके बीच में वो अंतर कर पा रहे थे उस समय, वो दौर चल रहा था यूरोप में। ठीक है, तो उस टाइम उसके बाद थोड़ा क्या चीज़ें हुई, इनलाइटमेंट के बाद जब चीज़ें यूरोप में क्या चल रही थी कि लोग समझने लगे थे चीज़ें ऊपर, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे थे, इनहेंस कर रही थी सोसाइटी, थोड़ा लोग थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव कर रहे थे खुद को, सोसाइटी थोड़ा अपलिफ्ट कर रही थी। तो उसमें क्या क्या हमारा बायो इम्प्रूव कर रहा था, मैथ्स जैसे डायरेक्शन पता करने वाली मशीन जो होती है वो इन्वेंट की गई, और बहुत सारी चीज़ें नई नई, वो माइक्रोस्कोप आया, ये सारी सारी चीज़ें आ रही थी। तो धीरे धीरे नेचुरल साइंस, ये सब क्या है, बायो में वो जो टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है और ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं तो क्या है, हमारा नेचुरल साइंस डेवलप कर रहा है। तो हमारे थिंकर्स ने सोचा जब ये नेचुरल साइंस इतना डेवलप कर रहा है तो क्यों ना हम सोसाइटी की स्टडी में भी थोड़ा कुछ साइंटिफिकनेस लाएँ, उसकी स्टडी भी कुछ सोसाइटी को समझने के लिए कुछ साइंटिफिक सोचें, कुछ साइंस से उसको जोड़ें। और फिर जब हमने सोसाइटी को साइंस से जोड़ के पढ़ने की कोशिश की, सोसाइटी और साइंस इसको जब हम जोड़ने की कोशिश करें, तो जैसे कि यहाँ बताया था सोसाइटी सोशियो मतलब सोसाइटी, साइकोलॉजी मतलब साइंस, तो क्या हमको मिलके ये दोनों वर्ड्स मिलके हमें क्या बने, मिले सोशियोलॉजी बना मुझे, और हमें ये मिला और जिसकी स्टडी हम आज करते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंस हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। तो ये तीन मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ और आज हम सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं किसके थ्रू, सोशियोलॉजी के थ्रू। तो एक नॉर्मल सा छोटा सा एकदम डेफिनेशन हम कह सकते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी इन अ साइंटिफिक मैनर, चाहे ये भी कह सकते हैं साइंस ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी, जिसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे। इमर्जेंस कब हुआ, 19th century में, बहुत सारे थिंकर्स ने कंट्रीब्यूशन किया अपना, इसको लेके आए कि हाँ सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये होना चाहिए, नहीं तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी हमारी सोसाइटी में, तो फिर वो कंपाइल करके वो चीज़ें लाए। ठीक, अब आ गई हमारे सोसाइटी में सोशियोलॉजी। ठीक, अब वो सोशियोलॉजी जो आया उसका कैरेक्टर किस तरह, वो इसका नेचर, उसका बिहेवियर किस तरीके का था, वो अब हम इस वीडियो में अब ये देखेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा था वो जो। ठीक है, सोशियोलॉजी पहले हम लोग समझे सोसाइटी, फिर सोशियोलॉजी आई, अब वो लेकिन वो उसका जो सोशियोलॉजी आया हमारे पास मतलब कि जिसकी स्टडी करनी हमें, वो एक्चुअली में था कैसा, अब हम उस पर पढ़ेंगे। ठीक, हाँ गाइस, जैसे कि आपको मैंने इंट्रो बता दिया, इमर्जेंस बता दिया और फैक्टर्स बता दिए, तो अब हमें आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। सोशियोलॉजी था, आया, क्यों आया ये जान लिए, अब जो आ गया तो उसके फीचर्स कह लें, कैरेक्टरिस्टिक कह लें, नेचर कह लें, बिहेवियर कह लें, तो वो सारी चीज़ें क्या थी वो ये है। तो देखते हैं सबसे पहला वो कैसा था, जो हमारे सोशियोलॉजी निकल के आ गया, जो हमें पढ़ना था, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सोशियोलॉजी हमें पढ़नी थी, वो एक्चुअली में सोशियोलॉजी थी कैसी, वो अब हम देखेंगे। इनसाइक्लोपीडिक इन नेचर, इनसाइक्लोपीडिया मतलब आप लोग जानते लगभग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं हम बता देते हैं। इनसाइक्लोपीडिया जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ही वास्ट में, वो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं। ठीक, तो इंसाइक्लोपीडिक मतलब उसमें बहुत दुनिया भर की बातें। अब गाइस पढ़ना ही सोसाइटी या सोसाइटी ही हमारी दुनिया है, दुनिया ही सोसाइटी है, तो
तो अब वो इंसाइक्लोपीडिया नेचर तो होगा ही, मतलब हमें सोसाइटी पढ़ना है और सोसाइटी ही तो पूरी पूरा वर्ल्ड ही तुम्हारी सोसाइटी है, तो वो जो हमें पढ़ना है वो इंसाइक्लोपीडिया नेचर का तो होगा, मतलब बहुत ही बड़ा बहुत ही वास्ट, उसमें मतलब अभी तुरंत तुरंत ही तो निकल के आया था। तो अभी से आज हम पढ़ते हैं कि अच्छा हमारा सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें मैरिज है, किंगशिप है, ये है वो है, इस तरह से कुछ नहीं था क्योंकि वो अभी तो तुरंत तुरंत आया था, उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो अभी सब कुछ था उसमें, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो एकदम बहुत ही वास्ट था, इसलिए उसको कहा गया कि इनसाइक्लोपीडिक इन नेचर, बहुत ही वास्ट है। ठीक, दूसरा जो था साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये क्यों कहा गया कि जो साइंस है न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, आप देख रहे होंगे कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वो जो चेंजेस आए पुरानी सोसाइटी से नए सोसाइटी में, जो थोड़े थोड़े चेंजेस आए थे उसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, और वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसमें से मेजर चीज़ वजह क्या थी, इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपने पढ़ा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है सोशियोलॉजी के आने में, क्योंकि वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था, इसी वजह से उसके फीचर में भी इन्वॉल्व किया दिया गया कि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो क्रिएट हो रही थी उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करने का ये साइंस है। इसको इसके नेचर को नाम दे दिया गया क्या, साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, समझे ना आप, इंसाइक्लोपीडिक इन नेचर बहुत ही वास्ट था, सब कुछ था उसमें, इसलिए हम इंसाइक्लोपीडिक इन नेचर कह दिए। साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसलिए कहा क्योंकि इंडस्ट्रीज जो इमर्ज हो रही थी, नई नई चीज़ें जो आ रही थी, तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उसको सॉल्व करने का जो साइंस हमने बनाया, उसको सॉल्व करने का जो मैथड, जो साइंटिफिक मैनर हमने बनाया, वो जो साइंस था हमारा, वो सोशियोलॉजी था, इसीलिए उसके नेचर में एक नाम दे दिया गया कि वो कैसा था, साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक, अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक, जो नेचर का बिहेवियर था, वो ये था एन आइडियोलॉजी, एन आइडियोलॉजी एज वेल एज साइंटिफिक कैरेक्टर। अब देखिए वो बहुत पुरानी बात है, 19th century में ये सारी चीज़ें हो रही हैं जब, तो आइडियोलॉजिकल रूढ़ीवादी कंजर्वेटिज्म, रूढ़ीवादी सोच के लोग कंजर्वेटिज्म जो पर्सन होते हैं, वो पीपल भी जब हम फॉर्म कर रहे थे सोशोलॉजी, अच्छा ये चीज़ें होनी चाहिए सोशोलॉजी में, ये टॉपिक होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो उसको जो जब कमेटी बैठती थी उसमें डिसाइड करने के लिए, उसमें आइडियोलॉजिकल पर्सन भी रहते थे और साइंटिफिक कैरेक्टर, रैशनल पीपल जो दिमाग से सोचते थे, साइंटिफिकली सोचते थे, अच्छा ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे होनी चाहिए, मैरिज 18 साल के बाद होनी चाहिए, ये क्या हमारी साइंटिफिक थिंकिंग है, क्योंकि हम पूरा बायोलॉजिकल स्टडी एक फीमेल का जानते हैं कि वो 18 साल के बाद अगर मैरिज करती है तो वो उसके लिए ज़्यादा सुटेबल है, उसके फिजिकल हेल्थ के लिए ज़्यादा सुटेबल है, तो ये साइंटिफिक थिंकिंग होगी। लेकिन आइडियोलॉजिकल रूढ़ीवादी सोच क्या कहेगी, नहीं लड़कियों की शादी 15 तक करा दें, क्यों, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बड़ी हो जाएंगी, फिर मान लो उनके साथ मतलब कोई प्रॉब्लम आई फ्यूचर में, तो उस सब की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम उसकी शादी 15 तक करा देंगे, नहीं 15 तक होनी चाहिए एज लिमिट मैरिज के। ठीक, तो ये थी रूढ़ीवादी सोच, और ये जो हमने 18 के बाद कहा वो थी साइंटिफिक सोच। तो कोई भी सोसाइटी का मुद्दा था, चाहे कास्ट सिस्टम, जैसे कास्ट सिस्टम जो रूढ़ीवादी आइडियोलॉजिकल पीपल, नहीं जो बिलो है वो बिलो रहेगा, जो अपर है वो अपर, तो अब सोल्यूशन क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे आज भी ऐसे रह गए हैं जो कंट्रोवर्शियल है, जो आज तक नहीं सॉल्व हो पाए हैं सोसाइटी के, जैसे सेकुलरिज्म ही देख लीजिए, सेकुलरिज्म कहने को सेकुलर है पर आज तक किसान का भी देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने देखा 26 जनवरी वाले दिन क्या हुआ लाल किले पे। ठीक है, ये सब बात की बातें, तो जैसे आइडियोलॉजिकल भी पर्सन थे साइंटिफिक कैरेक्टर, तो बहुत सारी थ्योरीज बनी, बहुत का सलूशन निकला, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें आज भी कंट्रोवर्सी हैं, तो इसलिए उसको कहा गया जो सोशियोलॉजी था, और हमेशा रहेंगे, ऐसे नहीं कभी ख़त्म होने वाली, क्योंकि सोसाइटी ऐसी चीज़, ये पूरा वर्ल्ड को आप एक साथ सॉल्व कर लोगे, ये कोई आसान बात थोड़ी, तो इसलिए वो इसका एक और फीचर बना दिया गया कि एन आइडियोलॉजिकल एज वेल एज साइंटिफिक कैरेक्टर था। उसमें साइंटिफिक बातें भी हैं हमारे सोशियोलॉजी में, प्लस आइडियोलॉजिकल बातें भी हैं। ठीक है, तो हमने अपना इंट्रो दे दिया, इमर्जेंस बता दिया, सोशियोलॉजी है क्या, कैसे आई, उस किन वजहों की वजह से आई, वो क्या उसके तो जो आ गई सोशियोलॉजी उस किस तरीके की थी, उसके फीचर क्या थे, उसके नेचर क्या था, उसके बिहेवियर क्या थे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स, जो अलग अलग थिंकर्स थे हमारे, जैसे मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर,
कार्ल मार्क्स, इन लोग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोशियोलॉजी को ला लेंगे? भाई इन्हीं का तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, ये आगे नहीं आते कि सोसाइटी की स्टडी करेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब तो सोशियोलॉजी आती कैसे? तो अब हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ गाइस, जैसे कि आपने इंट्रो देख लिया, इमरजेंस देख लिया, इमरजेंस होने की वजहें देख ली, मतलब उसके फैक्टर्स, और इमर्ज होने के बाद वो कैसा था, उसके कैरेक्टर्स नेचर फीचर देखा। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स, वो डिफरेंट थिंकर का क्या, सोशियोलॉजिस्ट जो थिंकर थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा थोड़ा सोशियोलॉजी को इमर्ज कराने में? ऐसे तो बहुत सारे थिंकर, जैसे अगस्त कॉम्टे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, बहुत सारे हैं, बट हम इन दो की इसमें बात करें क्योंकि अगस्त कॉम्टे इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। रट लीजिए आप लोग, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर, मेजोरिटी में यही पूछे जाते हैं, मैं इसीलिए इन दोनों को बता रही हूँ, क्योंकि आप बुक खोलेंगे ना या नेट पर सर्च करें आराम से आपको मिल जाएगा। तो मेजोरिटी में ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ और डिटेल में आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा। सो लेट्स गो गाइस, अगस्त कॉम्टे। तो अगस्त कॉम्टे, जैसे अगस्त कॉम्टे में पढ़ना है, अगस्त कॉम्टे बड़ा फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो नेम उन्होंने, जैसे आपने पहली वीडियो में देखा कि उन्होंने सोशियोलॉजी ने किसने दिया था, सोसाइटी की स्टडी का सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, सोशियोलॉजी किसने दिया था, अगस्त कॉम्टे ने दिया था। फिर उसकी फाउंडेशन, उसका नेम किसने रखा, अगस्त कॉम्टे ने रखा, और उसे इंडिपेंडेंट सेपरेट साइंस कि जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, वैसे ही सोसाइटी की जो स्टडी करनी है सोशियोलॉजी, वो भी एक इंडिपेंडेंट साइंस है, उसे किसने बनाया सबसे अलग, हमारे अगस्त कॉम्टे ने बनाया, ठीक। तीसरी बात, ये लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने क्या बताया, इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन एंड सोशल प्रोग्रेस के बीच का रिलेशन बताया। इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन एंड सोशल प्रोग्रेस, कैसे इंटेलेक्चुअल जो इवोल्यूशन होता है वो कैसे इवॉल्व होता है, उसके अंदर कैसे सोशल प्रोसेसेस होते हैं, इन्होंने अपने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के अंदर समझाया, ठीक। तो ये अगस्त कॉम्टे क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने सोशियोलॉजी का नेम दिया, फाउंडेशन रखा, इंडिपेंडेंस और सेपरेट साइंस बनाया हमारे सोशियोलॉजी को, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस दिए जिसमें इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन एंड सोशल प्रोग्रेस को बताया उन्होंने, ठीक। अब बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, ठीक। हर्बर्ट स्पेंसर कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किसके, अगस्त कॉम्टे के, पूरा पूरा खुला सपोर्ट करते थे अगस्त कॉम्टे को, इनकी जितनी भी बिलीव, इनके थॉट्स, इनका जो कुछ भी था, इसके सब के फॉलोअर थे हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, जिसमें इन्होंने क्या बताया, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे ट्रेडिशनल कंपैरेटिव स्टडी की जाए सोसाइटी की। तो हर्बर्ट स्पेंसर पूरा ये जो ये बातें कहते थे अगस्त कॉम्टे, उसका पूरा सपोर्ट करते थे, प्लस अपनी भी उन्होंने थ्योरी लाई, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, जिसमें ये सब चीज़ें बताई उन्होंने कि कैसे ट्रेडिशनल कंपैरेटिव स्टडी करें सोसाइटी की अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक। तो ये तो थे हमारे दो थिंकर्स, और भी दो तीन थिंकर हैं जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, तो गाइस दुर्किन, अगर आप चाहते हैं उन पर भी मैं वीडियोस लाऊं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लॉन्ग हो चुका है। तो जैसा कि इंट्रो पढ़ा, एक बार मैं झटके से आपको रिवाइज करा देती हूँ इंट्रो कि सोशियोलॉजी क्या था, सोशियो मीन सोसाइटी, लॉजी मीन साइंस, सोशियोलॉजी फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे, इमरजेंस कैसे हुआ, 90s में आया वो, बहुत सारे थिंकर्स मिलकर उसे ले आए, और वो सबसे पहले कहाँ आया, यूरोप में आया, किस वजह से आया, फैक्टर्स क्या थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसमें इंडस्ट्रीज़ के डिसएडवांटेज आ गए थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो हम सोसाइटी की स्टडी सॉल्व करने के लिए सोसाइटी की स्टडी शुरू कर दिए, ठीक। फिर दूसरा फ्रेंच रिवोल्यूशन, जिसमें फेडरलिज्म इंक्रीज कर गया, अब उस इंक्रीज को दबाने के लिए हमें सोसाइटी की स्टडी करनी पड़ी, और उसके लिए सोल्यूशन, सोसाइटी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ा। और तीसरा फैक्टर था जो था हमारा कि नेचुरल साइंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंस, तो जब नेचुरल साइंस इन्वॉल्व हो रहा था तो हम थिंकर्स ने सोचा क्यों नहीं हम सोसाइटी को भी साइंस से जोड़ के देखें, और हमारा एक सब्जेक्ट बन गया स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिसको सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक।
तो उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स जैसे अगस्त कॉम्पटे और हेबर्ट, इन्होंने क्या क्या दिया सोशियोलॉजी को, नेम फाउंडेशन, इंडिपेंडेंस सेपरेट साइंस, या फिर लॉ दिया, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, फिर हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते हैं इनको, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनोमोलॉजी। ठीक है गाइस, इतना इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके आगे भी बता दूंगी, या तो फिर दूसरा टॉपिक फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करें। आप लोगों ने नोट कर ही लिया हो उसको, अगर आप छूट गया हो तो आपने कमेंट करके बताइएगा कि आपको छूट जा रहा है चाहे जो कुछ भी, तो मैं इसके स्लाइड प्रोवाइड, स्लाइड जितने भी स्लाइड्स मैंने लिखे जो भी किया उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप बताएंगे मुझे अगर आपको चाहिए होगा तो। और तो अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं मैं लाती रहूं, तो मुझे अपना ढेर सारा सपोर्ट दीजिए ताकि मेरा मोरल डाउन ना हो और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूं। सो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।